हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। इस साइकिल के दौरान गैस दो आइसोबारिक और दो एडियाबेटिक प्रोसेस से पास होगी, जैसा कि पीवी डायग्राम से क्लियर है। प्रोसेस ए बी और प्रोसेस सी डी आइसोबारिक प्रोसेस हैं। और प्रोसेस बी सी एंड प्रोसेस डी ए एडियाबेटिक प्रोसेस है। इस साइकिल को अपन बोलते हैं ब्रेटन साइकिल। अब देखिए, प्रोसेस ए बी आइसोबारिक एक्सपेंशन है, इसके दौरान गैस को हीट सप्लाई होगा। प्रोसेस सी डी आइसोबारिक कंप्रेशन है, इसके दौरान गैस से हीट रिजेक्ट होगा। प्रोसेस बी सी और प्रोसेस डी ए एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, इनके दौरान कोई हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। अब देखिए, एफिशिएंसी होती है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q2 इज हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, हीट रिजेक्टेड बाई द गैस। Q1 इज हीट इंजेक्टेड इन टू द गैस, हीट इंजेक्टेड इन टू द गैस। अब देखिए, प्रोसेस ए बी आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। आइसोबारिक एक्सपेंशन के दौरान हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग हो जाएगा NCP ΔT। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं NCP ΔT हो जाएगा TB माइनस TA। मैं मान लेता हूँ A पर टेम्परेचर है T1, B पे टेम्परेचर मान लेते हैं गैस का T2 है, C पे टेम्परेचर मान लेते हैं T3 है, D पे टेम्परेचर अपन ले लेते हैं T4। तो ΔT हो जाएगा ए बी प्रोसेस के दौरान T2 माइनस T1। अब देखिए, प्रोसेस सी डी आइसोबारिक कंप्रेशन है, तो इस प्रोसेस के दौरान हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग हो जाएगा NCP ΔT। और इसको अपन ये लिखेंगे NCP ΔT हो जाएगा T4 माइनस T3। अब चूंकि अपने को ये पता है T4 की वैल्यू T3 से कम है, तो मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा −NCP T3 − T4। ΔQ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हीट सराउंडिंग के अंदर रिजेक्ट हो रहा है। तो अब देखिए, हीट इंजेक्टेड को तो मैं ये लिख देता हूँ, ए बी प्रोसेस के दौरान हीट इंजेक्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा NCP T2 − T1। हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग हो जाएगा, Q2 को अपन ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ΔQ, इट इज NCP T3 − T4। और अब अपन एफिशिएंसी लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू 1 − Q2 अपॉन Q1, तो ये हो जाएगा NCP T3 − T4 अपॉन NCP T2 − T1। NCP से NCP कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा 1 − T3 − T4 अपॉन T2 − T1। अब अपन इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए T1, T2, T3, T4 के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो अपने को ये पता है प्रोसेस BC एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में होगा T^γ × P^1 − γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर BC प्रोसेस के दौरान अपन एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा T^2 − γ, और यहाँ पे प्रेशर आपका पॉइंट B पे प्रेशर होगा NP0,
तो ये हो जाएगा एन पी नोड टू द पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू सी पे टेम्परेचर होगा टी थ्री, तो टी थ्री टू द पावर गामा, और सी पे प्रेशर होगा पी नोड, तो पी नोड टू द पावर वन माइनस गामा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन। सिमिलरली अपन प्रोसेस डीए लेते हैं, डीए भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए अपने पास हो जाएगा डी पे टेम्परेचर और ए पे टेम्परेचर अपन देखते हैं। ए पर टेम्परेचर है टी वन, तो टी वन टू द पावर गामा इंटू ए पर प्रेशर हो जाएगा एन पी नॉट टू द पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू डी पे टेम्परेचर होगा टी फोर, टी फोर टू द पावर गामा, और डी पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, पी नॉट टू द पावर वन माइनस गामा। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन टू। और अब अपन टू को वन से डिवाइड कर देते हैं, तो टू को अगर वन से डिवाइड करें तो अपने पास ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई वन, ये आएगा टी वन अपॉन टी टू टू द पावर गामा इज इक्वल टू टी फोर अपॉन टी थ्री टू द पावर गामा। और यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू टी फोर अपॉन टी थ्री। यहाँ से टी फोर की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी फोर अपने पास आ जाएगा टी फोर इज इक्वल टू टी थ्री इंटू टी वन अपॉन टी टू। अब देखिए एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में अपन टी फोर की वैल्यू रख देते हैं, टी फोर की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो अपने पास ये आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी थ्री माइनस टी फोर, टी फोर की वैल्यू है टी थ्री इंटू टी वन अपॉन टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। और अब अपन न्यूमेरेटर में से टी थ्री को तो कॉमन ले लेते हैं, टी थ्री को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा टी थ्री, एलसीएम लेंगे टी टू तो अपने पास ये आएगा टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन से टी टू माइनस टी वन कैंसिल हो जाएगा और अपन ये लिखेंगे वन माइनस टी थ्री अपॉन टी टू। अब देखिए टी थ्री अपॉन टी टू का रेशियो अपन इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं, इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन से अगर मैं टी थ्री अपॉन टी टू निकालूं तो टी थ्री अपॉन टी टू अपने पास ये आ जाएगा टी थ्री अपॉन टी टू इज इक्वल टू एन टू द पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा। ये वैल्यू अपन एफिशिएंसी के इक्वेशन में लिख देते हैं, तो एफिशिएंसी हो जाएगी ईटा इज इक्वल टू वन माइनस एन टू द पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस एन टू द पावर, मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन गामा। तो ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा अपने पास, ये ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी होगी।